माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म बेटा के सीक्वल को लेकर आई एक बड़ी अपडेट जानिए। पूरी खबर बॉलीवुड में धक धक गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित अपने टाइम की बहुत ही दिग्गज अदाकारा रह चुकी हैं। माधुरी ने अपने फिल्मी करियर में हर बड़े एक्टर के साथ काम किया है। हालांकि एक्ट्रेस की जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री के सदाबहार अभिनेता अनिल कपूर के साथ सबसे ज्यादा पसंद की गई। अगर आप भी इस शानदार जोड़ी की रोमांटिक मूवीज देखने के शौकीन हैं तो फिर OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल इनकी बेटा से लेकर तेजाब तक इन जबरदस्त फिल्मों का मजा ले सकते हैं। बात करें बेटा फिल्म की, इस फिल्म में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के रोमांस ने दर्शकों का जबरदस्त तरीके से एंटरटेनमेंट किया था। खासतौर से फिल्म के सॉन्ग धक धक करने लगा को व्यूवर्स का बहुत प्यार मिला था। बात करें इसके डायरेक्शन की तो इस फिल्म का डायरेक्शन किया था इंद्र कुमार ने, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के काफी जाने माने डायरेक्टर हैं। और अब खबर निकल कर आ रही है कि इस फिल्म के सीक्वल पर जल्दी काम शुरू हो सकता है। मीडिया की तरफ से खबर निकल कर आ रही है कि इसके सीक्वल की कहानी हमें काफी दमदार तरीके से देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन इस बार उनका बेटा इस फिल्म में फाइट करता नजर आएगा। जो कि अभी यह तो सामने नहीं आया है कि उनके बेटे के रोल में कौन सा एक्टर नजर आएगा, लेकिन फैंस का मानना है कि अगर इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ नजर आ जाते हैं तो ये फिल्म और भी ज्यादा तगड़ी हिट हो सकती है। लेकिन अभी इस पर कोई ऑफिशियली अपडेट सामने नहीं आया है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है, इस फिल्म में कौन सा एक्टर नजर आना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।